नमस्कार, बिहार अपडेट्स डॉट कॉम में आपका स्वागत है। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, ये गाना हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। क्या वाकई में बिहार में बहार है और आगे भी नीतीश कुमार है, आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जनता से। आने वाले समय में तो हम नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी आए तो नीतीश कुमार तो अच्छा किए लेकिन कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं है बिहार के लिए। कोई और अच्छा नेता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो नीतीश जी को नहीं चाहते हैं, हम राजद सरकार को ही चाहते हैं। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे आप तेजस्वी जी को पसंद कर रहे हैं? जी, कम उम्र के हैं, कम काम सुंदर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ उनको चाहते हैं, ठीक, कम उम्र में अच्छा काम। हाँ। अभी के अनुसार हमको तो जो है जिस तरह से नीतीश जी का शासन में शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था सब चीज चल रहा है, उसी तरह आने वाला भी नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगा। हाँ, नीतीश जी को ही चाहेंगे, काम तो वो ठीक कर रहे हैं, हम खुश हैं उनसे। हाँ, इस बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार का चुनाव में भी। और जो कि पूछना बोलिए, बताएं के काम से आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह से, लाइन रोड बिजली स्वास्थ्य सब चीज में सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत ही अच्छा, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। जो कि देहात वगैरह बिजली उपलब्ध है, रोड उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले बार 5 वर्ष अच्छा काम किए, अब जो है वो अच्छा काम विकास के नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक गरीबों का जो है दोहन शोषण तो हो ही रहा है, और गरीबों पटना से गरीब को भगाओ, ये नीतीश कुमार जी का मोदी जी का राजमार्ग है, ये लागू हो चुकी है। और तेजस्वी यादव बहुत अच्छे हैं और अच्छे आने वाले दिन में वो अच्छे मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, ये जनता का विश्वास है, हम लोग का खुद विश्वास है। चूँकि अभी देखिए जितना भी आपका ऑटो वगैरह चल रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेरोजगार नहीं देते, और बेरोजगार जो बेरोजगार बेचारा है उसको युवक को रोजगार छीना जा रहा है। पूरे पटना में कम से कम बस निकाल दिया गया है, ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला, रिक्शा वाला सब मारा जा रहा है। लोग को तो सरकार का ध्यान है नहीं, सिर्फ सरकार का ध्यान है कि अपना आमदनी बढ़ाओ, बाकी गरीबों का और पब्लिक का पॉकेट से माल जितना घिसना घिसो। ये वो काम बिहार का नहीं हुआ, मढ़ौरा में आपका चीनी मिल था वो बंद हो गया, खुला कहाँ? आपको देखिए 5500 करोड़ का हड़ताली मोड़ पर आपका बना हुआ है, क्या बोलते हैं म्यूजियम, इससे क्या बेनिफिट है पब्लिक को, जनता को? अगर वही पैसा को खर्च कर दिया जाता है, आपको बिहार में 4 जगह 5 जगह उतना ही पैसा में हर जिला में सब वो फैक्ट्री रहता है, 1 लाख आदमी कम से कम रोजगार मुहैया हो जाता है। ये तो इनमें है नहीं, अब बस इनमें बस वही होगी, आप इन्ने भागो तो उन्ने भागो। और तेजस्वी यादव आएंगे, एकदम देखने से तो नहीं लगता है कि अपराध घट रही है, जब सुबह उठिए पेपर देखिए तो अपराध ही अपराध नजर आ रहा है, हत्या बलात्कार लूट कान दुनिया जहान ये सब तो हो रही है। बोले तो कि 5 वर्ष पहले लगाम विधि व्यवस्था लोन एडो में अच्छा किए नीतीश कुमार जी, लेकिन अब कहाँ कर रहे हैं, कहाँ ध्यान है? और शराबबंदी पे कुछ बोल? शराबबंदी तो इसके लिए बहुत अच्छा बात है, बंदी होना चाहिए, लेकिन शराब तो घर घर यही खुलवाते हैं, घर घर खुलवा के फिर दुकान घर घर बंद करवा दिए, एगो बोतल मतलब ये सब चीज़ें नौटंकी है, नौटंकी है। नीतीश जी बहुत अच्छे हैं और हर बार उन्हीं का सरकार आना चाहिए, इसलिए उनका शराबबंदी और बहुत सारा ऐसा विकास का काम किए हैं जो बहुत अच्छे लगे मेरे को, इसी कारण उनको हम इस बार भी उनको इलेक्शन देना चाहते हैं। जैसा कि हमने आम पब्लिक से बात की और सबकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली, कोई नीतीश को पसंद करता है तो कोई तेजस्वी जी को, तो कोई किसी अन्य दल का नेता चुनना चाहता है। अब तो यह आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा कि आखिर इस मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती किसको है। हमारे सहयोगी शशि शेखर, दीपक आज़ाद के साथ मैं श्वेता चौरसिया, बिहार अपडेट्स डॉट कॉम।